वर्णन करता है पुंडकेश्वर भगवान का स्मरण करना, अर्थात जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, कोई बहुत बड़ा रोग कैंसर हो गया हो या बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, उस व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। जिसको बहुत ज्यादा रोग हो गया हो, वो हाथ में कलश में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिव जी को समर्पित करता है और उसी जल को अपने ऊपर सींचता है, छोड़ता है, वो जल्दी से जल्दी रोग से मुक्त हो जाता है। कुंदकेश्वर का स्मरण कर। कुंदकेश्वर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव की जय हो। जी हाँ साथियों, नया साल प्रारंभ हो उससे पहले ही 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। सच कहती हूँ, दिल से कहती हूँ दोस्तों, चाहे कितनी ही धन व माया हो और पर जीवन में अगर अपने शरीर में काया में कष्ट है, दुख है, रोग है, तो उस धन माया का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम हमारे लिए ही यह कार्य करें। सिर्फ दिन में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते या किसी भी काम को करते समय आप किसी भी समय सिर्फ 11 बार आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस ये इतना सा कार्य आप अपने लिए जरूर नियम बनाएं। साल के अंतिम दिन में ही आप नियम बना लें, जिससे जब नया साल प्रारंभ हो आपका नियम चलता रहेगा तो कभी भी जीवन में बड़ा रोग नहीं आएगा। छोटे से उपाय को जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव की जय हो।